मामा जी परम श्रद्धेय परम सम्माननीय जो संत जी हैं महाराज जी उनकी तरफ से 501 रुपए आए हुए हैं। भगवान से कामना करते हुए बिहारी, हे कृष्ण ऐसे परिवारों में ऐसे संतों का हाथ मेरे ऊपर बना रहे और भगवान की कृपा ऐसे संतों पर बनी रहे। भगवान से कामना करते हुए कन्हैया हमेशा धर्म के कार्यों में अपना हाथ आगे को बढ़ाते रहे। किसी भी बात की कमी न हो, जो भी दिल की इच्छाएं हो पूर्ण हो, ऐसे लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। भगवान से अभिलाषा और आकांक्षा है। सभा में सम्मानित किया, प्रभु इनका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न करें, यही गोविंद से कामना करती हूँ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। भैया आज पुरवासी कहने लगे, साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ और पूर्ण इच्छा हो इन खाली आतन बां से आओ। दया धर्म की खान, धन दौलत की चली का मांगे से दे दे गो अपनी जान। आप पहुंचो भैया। प्रभु जब पहुंचे हैं तो राजा बलि गद्दी से नीचे उतरे, आइए भगवान बड़ी कृपा की है जो मेरे दरबार में पधारे हो। अरे नाथ आपके जैसा रूप मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, आप बड़े प्यारे लग रहे हैं। उचित आसन पे बिठाई लियो, चरण धोई के चरणामित लियो और बोले हैं नाथ आपको क्या चाहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो भगवान बोले राजा हाँ महाराज, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। बोले कि मैं आपसे कुछ मांगने आई, मांग लीजिए क्या चाहिए। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो हाजिर है, हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्योछावर है, मांगिए। भगवान बोले हमने मांगो और तुमने न दे पाओ तो गजब है जावे को। अरे महाराज मांग के तो देखो, आपने बहुत राजा देखे होंगे लेकिन हमसा नहीं देखा होगा। भगवान बोले अरे राजा बलि तुमने बहुत महात्मा देखे हुए लेकिन हमसो ना ही देखो ये। बोले मांग के देखो महाराज। राजा बोले सोच लियो समझ ले। बोले अरे मांगो। भगवान बोले ऐसे नहीं मांगूंगा। फिर बोले पहले तिरवाचा भर दे। अरे महाराज कैसी बात करते हैं, हम वो राजा हैं जो एक बार कह के पीछे नहीं हट सकते, आप तिरवाचा की बात कर रहे हैं। बोले नहीं राजा मेरा मन है तो तू भर दे। बोले हाँ आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा, ठीक है। जो जब बात सुनी तो भगवान बोले राजा बलि अगर देना है तो तू मुझे 3.5 कदम पृथ्वी दे दे। जो 3.5 कदम पृथ्वी का नाम सुना, राजा बलि बोले अरे महाराज गांव मांगो, मौजा मांगो, पोस्ट मांगो, जिला मांगो, मंडल मांगो, राज्य मांगो, जो चाहिए मांग ले, लेकिन जब 3.5 कदम पृथ्वी देवे में हमें शर्म आई रही। हम कोई छोटे पूरे ना है, स्वर्ग लोक के राजा हैं, मांग के तो देखो। भगवान बोले राजा तो ना है पता, इतनी दे दे जब बाकी बचेगी, अगर कोई दिक्कत होगी रहने उठने बैठने में तो मैं और मांग लूंगा। बोले नहीं महाराज आप कुछ और मांगो। अरे मैंने बोला ना कितनी दे दे। अब भगवान से राजा बलि बोले प्रभु हमें बड़ी चिंता है, तुम बस 52 अंगुल के हो, तुम्हारे इतने छोटे छोटे से तो पैर हैं,
एक काम करो, हम अपने पेरेंट्स से नाप रहे। भगवान बोले मैं बैठूंगा, मैं लेटूंगा, मैं भजन करूंगा, तुझे नापने की जरूरत नहीं है, मैं खुद नाप लूंगा। तो नापो ऐसे थोड़ी। फिर बोले अभी एक चीज बाकी है। बाकी क्या है? बोले संकल्प कर दे। जो संकल्प की बारी आई महाराज, उसी समय राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। और जो भगवान को बैठो देखो, सो प्रभु ने थोड़ो सो मुस्कराए दियो, शुक्राचार्य आग बबूला हो गए और जवाब दो तुमने हमारे चेले उना छोड़ो, यूं आए गए। राजा बलि से पूछने लगे शुक्राचार्य, ओरे राजा इन्हें कछु दे तो ना दो। बोले ना महाराज अवे तो कछु ना दो, लेकिन ये 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे। बोले से कुछ मत देना, जो तू समझे बैठा है ना ये वो नहीं है। फिर सुन ले जो कौन है, प्रेम से ताली बजा के बोलेंगे। दुनिया जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बिछा कर लाए, अब कोई भी हो, पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा बचन नहीं। अच्छा आप गुरु की बात नहीं मान रहे हैं? बोले महाराज एक कहावत और है कि अगर भगवान को पाना है तो परिवार में